जय हिंद गाइस, दिस इज सत्यम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना घर पर रनअप इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखिए मेन रनअप जो है वो अपना ग्राउंड पर ही इम्प्रूव होगा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी घर पर कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि हमारी अभी जो हम लोग करेंगे उसका इफेक्ट हम लोग को बाद में जाकर मिले। और फॉर एग्जांपल अभी हम लोग घर पर इम्प्रूव करेंगे अपनी रनिंग टेक्निक, जो कि रनअप में बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी फास्ट बॉलर की रनअप की बात करूँ तो। और साथ ही में हम लोग करेंगे ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग और स्टेबिलिटी, और उसके बाद हम लोग करेंगे एक एक्सप्लोजिव प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जिससे कि आपकी बॉडी में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको स्पीड रनिंग करने में, स्प्रिंटिंग करने में। यानी कि जो तेज़ एथलीट होते हैं, यानी कि जो तेज़ भागने वाले एथलीट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करें। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और तो फिर चलिए मूव करते हैं हमारी बॉलिंग ड्रिल्स पर। तो गाइस पहली ड्रिल जो हम लोग करेंगे वो है स्टेशनरी हाई नीज। गाइस बहुत सारे बॉलर्स के साथ क्या होता है कि उनकी बॉलिंग में बैक किक तो होती है लेकिन हाई नीज नहीं होता। इसका मतलब वो पैर जो है अपने पीछे मार मार कर तो दौड़ते हैं लेकिन वो अपना जो आगे वाला पैर है वो लिफ्ट नहीं करते, यानी कि उनका जो नीज़ है वो ऊपर तक नहीं जाता। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्प्रिंटर, किसी भी एथलीट, किसी भी फास्ट बॉलर की रनिंग में, खासतौर पर तेज़ रनिंग में, कि उनका जो पैर है ना वो पूरा ऊपर जाए, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आए, ग्राउंड पर कांटेक्ट ले और फिर पीछे पड़े। यानी कि एक पूरी ये साइकिल है और ये साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हो। आपको चाहिए पड़ेगा एक ऐसा लूप बैंड, अगर आपके पास लूप बैंड ना हो तो आप किसी भी साइकिल ट्यूब का भी यूज़ कर सकते हो, और वो भी ना हो तो थैरा बैंड का यूज़ कर लो, और थैरा बैंड भी ना हो तो आप चाहो तो बिना उसके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने वेस्ट हाइट पर लगा कर रखना है। ठीक है, और ये देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसको बाद क्या करना है आपको, अपने जो पहले मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ, ये देखो कोशिश करना आपका जो नी है वो इतनी हाइट तक उठे। ठीक है, ये देखिए, और फिर अपने जो हैंड मूवमेंट है ना वो भी पूरे चलेंगे, इसी को तेज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ग्राउंड की स्ट्राइक है ना, ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा हूँ अपने टो से, यानी कि मैं टो से अपने आप को मूव कर रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा टो से पुश करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगेन आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस चीज़ की आप कम से कम 30 सेकंड तक रेगुलर करिए, और 30 सेकंड के फिर आपको जितने भी सेट करने हो मिनिमम 5 सेट करना। ठीक है, तो चलिए गाइस अब मूव करते हैं हमारी सेकंड ड्रिल पर, और वो है प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस के लिए, यानी कि आपकी बॉडी में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। और उस एक्सरसाइज का नाम है बॉक्स जंप। बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है और आपको बहुत इजीली इसको आपके घर पर कर सकते हो। आपको चाहिए पड़ेगा इतना बड़ा बॉक्स, आप बेसिकली इससे ज़्यादा हाइट का बॉक्स रखिए, आप चाहो तो सीढ़ियों पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है। आपको अपने टो पर खड़े हो जाना है ग्राउंड पर। ठीक है, अब इस पोजीशन में मेरे जो हाथ रहेंगे, ठीक है, कोर टाइट रखिए, और इस पोजीशन में जो हाथ रहेंगे वो मेरे पहले पीछे रहेंगे और फिर आगे जाकर। ठीक है, आपको अपने टो से ग्राउंड छोड़ना है और ऊपर जाकर टो पर लैंड होना है। ठीक है, और आप कोशिश करिए आपको अगर इससे ज़्यादा हाइट वाला बॉक्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हाइट थोड़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, अपन इससे थोड़ा सा और ऊँचा रख सकते हैं, इसका थोड़ा और हाइट पर रख सकते हैं बॉक्स को। और इस एक्सरसाइज की गाइज आप कर सकते हो 10 से 12 रेपिटेशन, आपको रेगुलर करना है। जैसे ही ऊपर जाओगे तुरंत नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना है। ठीक है, और ऐसे ये 10-12 रेपिटेशन करिए जितना आपकी लिमिट हो, और उसके फिर 3 सेट करिए। तो चलिए गाइज मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और वो है ग्लूट्स की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो कैसे करना है। आपको वही बॉक्स पर, अब यहाँ पर बॉक्स की हाइट आपको इतनी ही चाहिए पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली उस पर लेट जाना है। ठीक है, और अपना जो बैक वाला पोर्शन है ये इतना, यानी कि स्कैपुला से थोड़ा सा नीचे इतना आप अपना पोर्शन है इसके ऊपर रख लीजिए। ठीक है, और जो अपनी नी है, नी के जस्ट नीचे आपको क्या करना है, अपनी हील रखना है, अपने पैर की हील रखना है। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो कोर है ना एब्डोमिनल, उसको टाइट कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आप अपना जो सिंगल लेग है उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको नीचे जाना है और इसको लिफ्ट करना है, 1
और फिर इसको इस जगह पर होल्ड करके रखिए, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाइए और फिर आपको मोशन यही रखना है, इतना स्लो ये नीचे जाएगा और फिर तेजी से ऊपर आएगा। फिर ठीक इस पैर से करिए, 1 2। अब देखिए इसके आपको कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं सिर्फ एक पैर से, और इसमें आपको कोशिश करना है कि आपका जो मैक्सिमम फील है ना वो आपके ग्लूट्स में आए, यानी कि आपके हिप्स पर, और आपको पूरा फील करना है कि आपके ग्लूट्स पर पूरा लोड आ रहा है और ग्लूट्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपको इस एक्सरसाइज में बैक में कोई लोड नहीं आना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ यही होता है, जब वो एक्सरसाइज ये करते हैं तो उनके बैक पर बहुत ज़्यादा लोड आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गलत फॉर्म में कर रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप सही फॉर्म मेंटेन करो एक्सरसाइज का, तभी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, तभी उसका आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको जो तीनों ड्रिल हैं, तीनों एक्सरसाइजेस हैं, उनको कैसे करना है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी अगर आपने इनको रेगुलर बेसिस पे करा। और इनका जो इफेक्ट है वो रियल इफेक्ट आपको ग्राउंड पर जाकर मिलेगा, यानी कि जब आप लॉकडाउन के बाद ग्राउंड जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस हुए हैं। आपको भागने में बहुत ही इजी पड़ेगा, आपका जो रनअप है बहुत ही इजीली आप भागोगे ग्राउंड पर, क्योंकि आपकी जब बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो आपके लिए रनिंग बहुत इजी हो जाती है। खासतौर पे जो स्प्रिंटिंग वाली रनिंग है ना वो बहुत इजी हो जाती है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।